जानू तुम कहीं जा रही हो? मैं क्यों कहीं जाऊंगी? क्यों जानू, मैंने तुम्हें कभी कहीं जाने से रोका है? मुझे टैक्सी में कहीं जाने का शौक नहीं है नबील। क्या मतलब? शादी से पहले क्या क्या नहीं था मेरे पास, पैसे, अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर, और अब शादी के बाद क्या है मेरे पास? जानू तुम्हारे पास मैं हूँ। शट अप नबील। ओके जानू, बहुत बड़ी गलती की मैंने तुम जैसे आदमी से शादी करके। अरे बस ही कर दो, अब मेरे जैसा शौहर नसीब वालियों को मिलता है? हाँ, जिनके नसीब फूटे होते हैं। ओप सोरात, आहिस्ता आवाज में बात करो मुझसे। क्या कह रही थी जानू? कुछ बोलने का फायदा है तुमसे? क्यों नहीं है जानू, तुम अभी फोन मिलाओ अपने पापा को और उनको बोलो कि पापा मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो क्या मना करेंगे वो? शादी के बाद भी मैं उनसे गाड़ी मांगू? भाई जब वो तुम्हें गाड़ी शादी से पहले लेके दे सकते हैं तो बाद में क्यों नहीं दे सकते? क्या मौत पड़ रही है उन्हें? नबील तुम में तो शर्म और हया बिल्कुल खत्म हो चुकी है ना, लेकिन मुझ में है। जानू जो मुझ में बिल्कुल खत्म हो चुकी है वो शर्म और हया है। जी हाँ। ठीक है जानू, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा था, वरना मुझे कौन सा रोज दफ्तर जाना होता गाड़ी में बैठ के। जानू इसमें ना माचिस की तीलियां फंसानी पड़ती हैं, तब ये ठीक चलता है। क्या बकवास, चीज खराब है। जानू 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 क्या हुआ? जानू जानू माँ जी, मैं मुंह साफ, माँ जी मैं मुंह साफ। उसने ड्रायर का प्लग निकाल कर स्विच में लगाया तो ऑन नहीं हुआ, उसने फिर कोशिश की। अबे हुआ क्या है ये बता, पूरी कहानी क्यों सुना रहा है? खूबसूरत को करंट लग गया महमूद साहब। क्या? हाँ, अरे वो जिंदा तो है ना? पापा पापा पता नहीं मैमू साहब, मैंने चेक नहीं किया, मैं तो फौरन भागा हूँ आप लोगों को बुलाने के लिए। आए बगैर तेरी बीवी को करंट लगाए तो तू इधर बाहर आ गया भाग के हमें बुलाने के लिए? ओ माँ जी मैं तो आप लोगों को बुलाने के लिए आया था ना। हम क्या डॉक्टर है जो तू हमें बुलाने आया था यहाँ? अरे यार ये सारी बातें छोड़ो और अंदर चल के खूबसूरत को देखते हैं। अरे मोमो तुम्हें पता तो है कि खूबसूरत जमीन पर गिरकर बेहोश नहीं होती। वो क्यों? अरे भाई उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। यार आप लोग ये गुफ्तगू छोड़े, मेरी बीवी को तो चेक करें ना। चेक करने से पहले ना सारी मामूलात लेनी जरूरी है। मालूमात? हाँ मालूमात। ओ अरे चलो देखो तो सही। जमीला जमीला। ओ माँ जी ये खूबसूरत है, करंट लगने के बाद तो बड़ी मनहूस लग रही है पुत्र। और उठ भी जा। अरे मोमो ये ऐसे नहीं उठेगी। हाँ सब मिलके इसको ना कांदा देते हैं। अरे मोमो ये मरी नहीं है भाई, बेहोश हुई है, जाओ जाके पानी लेकर आओ। जाके खुद पी। अरे भाई मैं पानी खूबसूरत के लिए मंगवा रहा हूँ। लेकिन ये तो बेहोश है। ओह यार नबील तुम पानी लेकर आओ। ओ मैं ले गया था यार, पानी क्या हो गया? बहुत जोरदार करंट लगा है इसे। हाँ जी ये पानी से तो नहीं उठने वाली। लाए अपनी जुराबे, नहीं ये अभी होश में आ जाएगी। वो जो ये होश में आएगी वो मेरी जुराबों से आएगी। हाँ जी। अच्छा जी, लो भाई इत्तेफाक की बात है, परसों की जुराबे उसी तरह मेरी जेब में पड़ी है, मैंने अभी पहनी ही नहीं है, ये लो। अरे क्या हो गया मोमो, अब ऐसी भी कोई बू नहीं है इसमें के। ओ यार उठो यार, आप लोगों को क्या हो गया? उठो उठो। अरे अरे क्या हो गया माँ जी महमूद साहब, आप लोग तो खूबसूरत को होश में ला रहे थे, खुद कैसे बेहोश हो गए आप लोग? अरे यार कुछ नहीं नबील, तुम्हारी माँ ने और मैंने मेरी दो दिन पुरानी जुराबे सूंघ ली थी। तो शुक्र करें आप लोग जिंदा हैं, आपकी जान बच गई, वरना आपकी जुराबे सूंघ के तो इस घर के चूहे मर जाते हैं। अच्छा बकवास बंद करो ना, खूबसूरत के ऊपर पानी छिड़को ताकि इसे होश आए। ओ यार मैंने सब कुछ करके देख लिया खूबसूरत, लेकिन होश में नहीं आ रही। क्या
हाँ उधर कहीं मर तो नहीं गई? ओ नहीं माँ जी, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, सिर्फ बेहोश हुई है। अरे नबीर, तो फिर जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ ना भाई, इसका होश में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ पुत्र, घर का राशन भी खत्म हो गया, महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं। हाँ। मैंने शायद 612 को कॉल की है यार, आता ही होगा। लो आ गया वो। अवश्य अवश्य। ध्यान रखना मोमोज का। हाँ भाई जल्दी बताए हुआ क्या है। डॉक्टर साहब आपको क्या हुआ है? मुझे कुछ भी नहीं हुआ भाई। आपने क्या पी हुई है? हाँ क्या, ऐसी शर्म नहीं आती है, पी के हमारे घर आ गया है? अरे भाई मैंने वो, आप गलत समझे भाई, मैं तो खांसी का शरबत थोड़ा ज्यादा पी लिया, उसकी वजह से ना मुझे थोड़ा चक्कर भी आ रहे और सुजू भी मिल रहा है। और है क्या? और बस कर दे महमूद साहब, डॉक्टर साहब आए खूबसूरत अंदर कमरे में है यार। भाई उससे हुआ क्या है? उसे करंट लग गया। कैसे? वो बेडरूम का स्विच खराब था ना, उससे लग गया है, आप चलकर देख ले। नहीं भाई नहीं, मैं इलेक्ट्रिक स्विच ठीक नहीं कर सकता, आप एक काम करो किसी ना इलेक्ट्रिशियन को बुला दो। तो भाई स्विच नहीं देखना, खूबसूरत को देखना है, वो बेहोश हो गई है। अच्छा ये बोलो ना, अभी अभी देख लेता हूँ। चले चले चले। ओ भाई किधर जा रहा है, इधर चल। और मैं उसे पकड़े यार, इतनी खांसी की सीरप इतनी। भाई तू ये क्या कर रहा है? अरे भाई खांसी का शरबत है, एफटी को भी मैं यही देता हूँ जब उसे तलब होती है। ओ यार एफटी को बाद में सप्लाई करी, उसने कभी ठीक नहीं होना यार। ओ मेरी बीवी को चेक कर। भाई मैं आपकी बीवी को चेक कर चुका हूँ भाई, ये तो कोमा में चली गई। क्या चुमे, ये तो तेरे सामने बेड पे लेटी हुई है, कोमा में कैसे जा सकती है? अरे माँ जी मेरा मतलब है ना, ये मरी है ना ये बेहोश है, ये बीच में। हाँ वो तो हमने जानबूझ के इसको बीच में लिटाया था ताकि इधर उधर ना गिर सके बैठ के। उफ, अरे भाई इनको को समझा भाई। अरे मोमो तुम तो चुप करो ना यार। डॉक्टर साहब क्या मेरी बेबी कभी ठीक नहीं होगी? अरे क्यों नहीं होगी भाई, ठीक क्यों नहीं होगी? अभी परसों मैंने एक बिल्ली के बच्चे को कोमे से बाहर निकाला है। हाँ भाई मेरे पास एक इंजेक्शन पड़ा है, ये कोमा से बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्या? हाँ लेकिन इंजेक्शन के ना साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अरे वो तो सब दवाइयों के होते हैं यार। तो फिर मैं लगा दूं? ओ भाई लगा ना यार। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओ भाई इंजेक्शन लगा, बोतल लगा नहीं कहा मैंने। अच्छा अच्छा मैं लगा दूं। जेब में तो आई, जेब में आगे लगाऊंगा मैं। और ख्याल से बिस्तर को ना लगाना, मेरी बीवी को लगाना। अवश्य अवश्य। क्या हुआ मुझे? भाई मुबारक हो, ये ठीक हो गए। देखो कैसे काम किया इंजेक्शन ने। लेकिन एक बात है भाई, आप लोगों ने ना इनसे कोई बात नहीं करनी, इनको आराम की ना सब जरूरत है। अरे भाई आप लोग बात करो, ये थोड़ी देर आराम करेंगी, जब उठेंगी तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक? चलो भाई मुबारक हो, खूबसूरत बच गई। हाँ महमूद साहब। अच्छा भाई हो गए, खुशी हो गई। चलो भाई जल्दी से मुझे फीस दो, मुझे और जगह भी जाना भाई। वो जो हमने आपको जल्दी से देनी है वो फीस है। हाँ जी शुक्र करो नबील कि खूबसूरत की जान बच गई है। हाँ महमूद साहब, वरना हमने भूखे मर जाना था। ना तेरी बीवी कौन सी हमें खाने पका के खिला रही थी? ओ माँ जी वो खाना नहीं बनाती, लेकिन खाने के पैसे तो उसका बाप ही बेहतर है यार। ना ऐसा कौन सा एहसान कर रहा है उसका बाप, हम भी तो उसकी बेटी और नवासी को पाल रहे हैं। अरे छोड़ो मोमो इन बातों को, जाओ जाके कुछ बनाओ, मुझे बड़ी सख्त भूख लग रही है। हाँ माँ जी तब तक खूबसूरत भी उठ जाएगी, आज कुछ बेहतरीन सी डिश बनाए। मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी। मामा सुनिए जी। मामू साहब ये आवाज किसकी है? भैया तो तुम्हारे कमरे से रही है नबील। कमरे में तो मैं खूबसूरत को छोड़ के आया था। वैसे खूबसूरत इतने प्यार से तुम्हें बुला नहीं सकती नबील। हाँ जी 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 जी। आप मुझे सुन रहे हैं? कौन? खूबसूरत जी, मैं खूबसूरत।
जादू का सब सब खैरियत है ना? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि क्या मैं लाउंज में आ सकती हूँ? अरे नबील, लगता है इंजेक्शन का असर है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आ जा पुत्र, इधर ही आ जा। आज वो, आज वो। ओए, ये कौन है भाई? सलाम महमूद साहब। वालेकुम सलाम भाई। आदाब सरताज। जानू, मेरा नाम नबील है, बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला। मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ सरताज, मेरी जबान कट के ना गिर जाए। जानू, मेरा नाम नबील जीरा प्लेट थोड़ा है। मुझे जानू ना बुलाएं सरताज, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनके सामने बुरा लगता है ना। मोमो, मुझे ये सब हजम नहीं हो रहा, तुम जल्दी से खाना बनाओ। आपको ये सब हजम नहीं हो रहा तो खाना कैसे खाएंगे आप? अरे तुम बनाओ तो सही ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप महमूद साहब, मेरे होते हुए माजी खाना कैसे बनाएंगी? खाना मैं बनाऊंगी आप सबके लिए, ये फर्ज है मेरा। आप लोग यहाँ आराम से बैठे, मैं खाना बनाती हूँ। नबील, ये कैसे काया पलट हो गई? महमूद साहब, मुझे लग रहा है डॉक्टर ने जो इंजेक्शन के साइड इफेक्ट बताए थे ना, वो काम कर गए। हाँ महमूद साहब, मेरी बीवी तो कॉटन की बिल्ली लग रही थी है। सब एक इंजेक्शन माँ जी को ना लगवा दे। ओए अकीला, अकीला। जी माँ जी, अभी आई। जी माँ जी, बोलिए। देख, मेरे लिए ना खाना लैदा से बनाना और बहुत सारा बनाना। आप फिक्र ना करें माँ जी, ऐसे ही होगा। खूबसूरत खूबसूरत। जी सरताज। खाने के बाद मैं मीठा भी खाऊंगा। अच्छा, मीठे में आप क्या खाएंगे? भाई दो तीन आइटम बना लो। ठीक है। हैं? अब जाइए। भैया अल्लाह, मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा। खूबसूरत खूबसूरत। देखो, जब रोटियां पकाओगी ना तो मेरे लिए छोटी छोटी और बारीक बारीक रोटियां पकाना। अच्छा, कितनी? 12-15 पका लो। ठीक। अच्छा, शाबाश शाबाश। और तू खड़ी खड़ी मुस्कुरा के क्या देख रही है हमें? खाना लगा। पहले नमाज पढ़ लेते हैं ना माँ जी, उसके बाद खाना खाएंगे। नमाज? जी महमूद साहब, जोहर की नमाज पढ़ के दोपहर का खाना खाना चाहिए, बरकत होती है। भाई मैं खाने के बाद नमाज पढ़ लूंगा, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है। आप सब लोग पहले नमाज पढ़ें, तब मैं खाना लगाऊंगी। क्या? जी मैं नहीं चाहती कि इस घर से बरकत उठ जाए, प्लीज सरताज। ओ यार महमूद साहब, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? यार हम सब इसकी सुन क्यों रहे? जानू जरा मुंह उधर करना, अब तुम्हारी ड्राई करनी है। महमूद साहब, आपको याद नहीं है डॉक्टर ने क्या कहा था? क्या? अगर इसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हुई तो ये दोबारा स्टॉक कोमा में जा सकती है। कोमा में जा सकती है? हाँ। तो चलो फिर आओ नमाज पढ़ने। चलो चलो नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ने। आओ बिस्मिल्लाह। आओ 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 आओ। सरताज आप कहाँ गए? आपको परहेज करने की जरूरत है, आज के बाद आपके सारे रोग नहीं खाने पाए। अरे इसमें तो नमक मिर्च बिल्कुल ही नहीं है। मैंने खुद नहीं डाली महमूद साहब। क्यों? नमक मिर्च आपके लिए जहर है। अरे इससे तो बेहतर था तुम मुझे जहर ही दे देती। महमूद साहब, आपने पूरा खाना खत्म करना है, वरना हमारे घर से रिस्क उठ जाएगा। सरताज, आपको खाना कैसा लगा? अच्छे, बहुत अच्छे। ये जो अच्छा है वो खाना है। हाँ जी। मोमो, ये क्या कर रही हो?
और जो उसकी बीवी ने घास फूस मुझे खिला दिया है ना, उसके बाद मेरे अंदर से ऐसी आवाजें निकलनी थी। यार नबील, ये उस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स हम क्यों भुगत रहे हैं? ओ क्या बताऊं महमूद साहब, मैंने तो खुद इतना बदमजा खाना पूरी जिंदगी में नहीं खाया यार। अरे अगर उस इंजेक्शन का असर जल्दी खत्म नहीं हुआ ना नबील, तो हम सबको खुदकुशियां करनी पड़ जाएंगी। वो जो हमें करना पड़ेगी वो खुदकुशियां होंगी। हां जी। अच्छा जी। सरताज आप क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, वो आपके बाल गिर रहे हैं ना आजकल, तो मैं ये खास नीम के पत्तों का तेल बना कर लाई हूँ, इसे लगाएं तो आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। ओ, नहीं नहीं मुझे नहीं लगवाना। सिद ना करें सरताज, बहुत अच्छा तेल है। जानू मैं पहले बेहोश हो जाऊँ ना, फिर तुम आराम से मालिश मेरी कर। अरे टीवी क्यों बंद कर दिया भाई? महमूद साहब असर का वक्त हो रहा है, आप जाके नमाज पढ़िए। और ये आपकी उम्र नहीं है गाने देखने की। वैसे भी मैंने केबल वाले को फोन कर दिया और उससे कहा है कि सारे हमारे चैनल बंद कर दे, अब हमारे घर में सिर्फ क्यू टीवी चला करेगा। क्या? जी नहीं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पुत्र मुझे बड़ी भूख लग रही है। तो मैंने आपके लिए सब्जियों की सलाद बनाई है ना, आप वो खाइएगा। हाँ ना। सताज मुझे आपको एक बात बतानी थी। मैंने भी तुम्हें एक बात बतानी थी। महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं। अपने पापा को फोन करो। अरे सरताज वही तो बता रही हूँ कि मैंने पापा को अभी फोन किया है। कितने पैसे मंगवाए जाने हो? सरताज मैंने पापा को पैसे भेजने से मना कर दिया है। क्या? जी बटवाए। वो इसलिए सरताज कि मैं आपकी खुददारी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती। अब मैं और चांदी आपकी जिम्मेदारी है, आप जो रूखी सूखी खिलाएंगे हम सब्र शुक्र करके खा लेंगे। क्या? नबील रोने से कुछ नहीं होएगा, और इतना बुरा रोने से तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। तेरी बीवी ने तो हमारी जान अजाब कर दी है। अब मैं क्या करूं मामू साहब? अरे उस डॉक्टर के बच्चे को फोन करो और बोलो इसे खूबसूरत को कोई और इंजेक्शन लगाए। हाँ मुझे नहीं चाहिए ऐसी सुगड़ बहू। अच्छा करता हूँ। अबे ओ डॉक्टर ये क्या कर दिया तूने? क्या हुआ नबील भाई, खूबसूरत की तबीयत फिर खराब हो गई क्या? अबे उसकी नहीं, हम सब की खराब हो गई है। हैं? ओ भाई जब से खूबसूरत होश में आई है वो बदल गई है, उसने हमारी जिंदगी अजाब कर दी है, अजीरन कर दी है। ओ डॉक्टर कुछ कर, कुछ कर। अफसोस कर तो रहा हूँ नबील भाई। ओ भाई ओ घंबड़, अफसोस ना कर, इलाज कर। नबील भाई बस अब एक ही तरीका बचा है। हाँ बोलो 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 बोलो। भाई खूबसूरत को अगर दोबारा कलम लगे ना तो शायद वो पहले जैसी हो जाए। क्या? हाँ हाँ कोशिश करें, कलम लगाने की कोशिश करें। क्या कहा डॉक्टर ने? ओ माँ जी डॉक्टर कह रहा है खूबसूरत को पहले वाली हालत में लाने के लिए एक बार फिर उसको करंट लगाना पड़ेगा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। अरे कुछ नहीं हुआ, इसमें कौन सा करंट है? ये लो, उस वक्त हम उसको लगाने लगे थे तो लाइट चली गई थी, अब तुम्हारी बारी है, लाइट आ गई है, जाओ जाके उसे करंट लगाओ। ओ यार मैं मुसाब आप ही लगाते तो अच्छा था यार, मैं कैसे अपनी बीवी को करंट लगा सकता हूँ? ट्राई ट्राई करो। कैसे करके? ऐसे करके। बैठते हैं तुम उधर बैठो।
मैं इधर बैठ जाऊं, अभी आवाज आएगी। मुझे बड़ी जोर की करंट लगा है। बकवास मत करो, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो उठो, मेरे नाश्ता बनाओ। क्या चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।